हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम देखेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? बेसिकली हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में किस तरह से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मैट्रिक्स के काइंड कौन कौन से होते हैं। तो बेसिकली मैट्रिक्स के दो या तीन प्रकार के काइंड्स होते हैं। बेसिकली और भी काइंड्स होते हैं, बट हम यहाँ पे जो देखेंगे वो जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। बेसिकली रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स होता है हमारे पास जिसमें हमारे पास ओनली रो में एलिमेंट हो, यानी A1, A2, An, इस तरह से एलिमेंट हो। यानी कि रो मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा एलिमेंट जो कि 1 क्रॉस n, यानी 1 तो रो होगी होगी उसकी, और n जो होंगे उसके कॉलम होंगे, तो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। कॉलम मैट्रिक्स क्या कहलाता है हमारे पास? जिसमें कॉलम में एंट्रीज हो, यानी A1, A2, डॉट डॉट An, तो इस तरह से को हम कह सकते हैं n क्रॉस 1, यानी इस तरह का मैट्रिक्स जो होता है वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है, जिसमें ओनली कॉलम में एंट्रीज होंगी, यानी कि उसके कॉलम एक होगा लेकिन रो जो होंगे वो n रो होंगी। तो इस तरह से हम रो मैट्रिक्स हम कॉलम मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हैं। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कॉलम मैट्रिक्स में किस तरह को मैट्रिक्स की फॉर्म में किस तरह से डिनोट करते हैं, पहले ये देखेंगे। कि सपोज इसको समझने के लिए, सपोज कि हमारे पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसमें a11 + a11x1 + a12x2 डॉट डॉट, इस तरह से चलते हुए a1n xn = b1। इस तरह से यहाँ से a21x1 + a22x2 + डॉट डॉट चलते हुए a2n xn = b2, और ये इस तरह से चलते हुए ए अगर सपोज m1 तक है, a m1 x1 + a m2 x2 डॉट डॉट चलते हुए a m n xn = bn, ये है हमारे पास। तो उस कंडीशन में हमारे पास इसको अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में डिफाइन करना चाहते हैं तो मैट्रिक्स फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले जो इसके कोफिशेंट है, तो ये हो जाएगा a11 a12 डॉट डॉट a1n, यानी कि इसके बीच में डॉट डॉट चलते हुए, और यहाँ से a21 a22 डॉट डॉट a2n, और यहाँ पे हमारे पास am1 am2 और ये amn, ये हो गया हमारे पास एक मैट्रिक्स। ये जो हमारे पास ए मैट्रिक्स हो गया, इसको हम ए से डिनोट करते हैं। बेसिकली इसको हम ए से डिनोट भी करते हैं। अब हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स आता है, वो आता है रो मैट्रिक्स। यानी कि अगर रो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं, उसमें हम x1 x2 डॉट डॉट चलते हुए, और ये हो जाएगा xn तक। तो ये हो गया हमारे पास इक्वल टू, फिर से कॉलम मैट्रिक्स, ये भी कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स b1 b2 डॉट डॉट bm तक। ये हमारे पास फ्रेंड्स ये मैट्रिक्स जो होता है, यानी अगर अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या है, इसका मल्टीप्लाई इनसे और इक्वल टू बी वन, तो ये हमारे पास जो फर्स्ट वाली इक्वेशन ये आ जाएगी। तो इस तरह से हम कोई भी मैट्रिक्स होगा उसको हम इस तरह से फॉर्म में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे दो मैट्रिक्स बनते हैं, ए इसको डिनोट करते हैं हम, इस मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं एक्स से, और इसको हम डिनोट करते हैं बी से या कई बार सी से। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं इनको। अब आता है हमारे पास आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है? आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है ये देखना जरूरी है। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स होता है फ्रेंड्स, बेसिकली हमारे पास ए मैट्रिक्स और उसके करस्पॉन्डिंग में ये वाला मैट्रिक्स, यानी कि अगर जैसे क्वेश्चन यही थी हमारे पास, तो उस कंडीशन में a11 a12 डॉट डॉट a1n और यहाँ पे b1, a21 a22 और a2n और यहाँ पे b2, इस तरह से यहाँ पे चलते हुए आ जाएगा bm1 bm2 डॉट डॉट bmn और ये आ जाएगा bm। तो ये मैट्रिक्स जो कहलाता है, ये कहलाता है हमारे पास आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हो गया। अब फिर जैसे ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे हम देखते हैं इसको किस तरह से डिनोट कर सकते हैं। यानी ये एग्जांपल है हमारे पास, ये सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं।
तो ए के लिए क्या सिंपली से कोफिशिएंट यानी 5 माइनस 3 8, 5 माइनस 3 8, तो ये रहा। इसी तरह से यहाँ पे कोफिशिएंट 1 4 माइनस 6, 1 4 माइनस 6, यहाँ पे देखें तो इसको लिख सकते हैं हम 0x1 प्लस, तो 0 2 4। अब यहाँ पे अगर एक्स की बात करें तो एक्स क्या आएगा, वो आएगा x1 x2 x3, x1 x2 x3, ये आ गया। अब हम बात करें बी की, तो बी आ जाएगा हमारे पास यहाँ से बी बराबर ये आ जाएगा, यहाँ से देखें तो -1 0 3, -1 0 3, तो ये बी हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये आ गया हमारे पास। अब आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की बात करें तो उसको क्या नोट करते हैं हम, ए बी, तो ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास यही -5 -3, ये तो रहेंगे, ये तो मैट्रिक्स रहेगा साथ में ये वाली एंट्रीज। तो इस तरह से आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को भी हम डिनोट कर सकते हैं किसी भी इक्वेशंस के लिए।